आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो को कैसे बनाएंगे, क्योंकि आए दिन हमें पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती जाती है। कहीं हम बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपनिंग कराने के लिए तो वहाँ पासपोर्ट साइज की फोटो को हमें मांग देता है, या हम कोई फॉर्म भरते हैं या जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है। अगर इस स्थिति में हम साइबर कैफे में जाते हैं या शॉप वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पर अच्छी खासी पैसे की डिमांड कर देती है और वो हमें पैसा देना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे पासपोर्ट साइज फोटो को बनाएंगे खुद से। सुराज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप पासपोर्ट साइज फोटो को बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाए जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएंगे। पहले हम ये करेंगे कि अपने जो फ़ोटो जो हम क्लिक करेंगे उसके पीछे कोई सिंगल बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे हम स्टूडियो में जाते हैं तो वहाँ पर देखते होइएगा कि वहाँ पर सिंगल बैकग्राउंड का जो पर्दा लटकाए रहते हैं वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करते हैं। इससे ये होता है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड जो होता है रिमूव करने में आसानी होती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है सिंगल बैकग्राउंड पर फ़ोटो को क्लिक करेंगे। इसके लिए कहीं भी आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोटो आ चुका है। इस तरीके से फ़ोटो को सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका इस तरीके से फ़ोटो आ जाएगा। अब सबसे पहले हमको इसकी साइज चूज़ करनी है तो यहाँ पे पहले क्रॉप वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ पे विड्थ जो आप 3.5 डालेंगे इस तरीके से 3.5 और यहाँ पर हाइट डालेंगे 4.5। ठीक है, रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन में 200 डाल देनी है। इसके बाद सिंपली यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से आप फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे। आपको ध्यान देना है कि फ़ोटो जो दोनों कंधे हैं जो आपको एक्यूरेट बराबर होनी चाहिए, नहीं तो ये फ़ोटो आपका फिर ख़राब हो जाएगा, पासपोर्ट साइज नहीं बन पाएगा। इस तरीके से आपको जो है फ़ोटो को बराबर कर लेना है। इसको सिंपली इंटर करेंगे तो आपका यह फ़ोटो यहाँ पे जो है क्रॉप हो चुका है। इस तरीके से आपका फ़ोटो यहाँ पर क्रॉप हो चुका है। फ़ोटो को क्लियर करने के लिए इमेज में जाएंगे, इसके बाद यहाँ एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कर्व का, या तो आप कंट्रोल प्लस एम डालेंगे तो अभी ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो आपके पिक है इसको आपको ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से देंगे, यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस बढ़ रहा है। तो इस तरीके जितना बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस जो फोटो पर बढ़ेगा और इस तरीके से हम लेके आएंगे तो देखिए ब्राइटनेस यहाँ पर इस तरीके से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो अपने फोटो का ब्राइटनेस इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ से ओके करेंगे। तो अपने फोटो को कलर वगैरह करने के लिए इमेज में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडजस्टमेंट। इसके बाद यहाँ पे लेवल पे जाएंगे या कंट्रोल प्लस एल डालेंगे तो अभी ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके जो आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फोटो को और क्लियर करने के लिए यहाँ फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको नॉइस का। यहाँ पे आपको एक JPEG क्लीन अप का ऑप्शन मिल जाता है। ये एक प्लगइन है जिसको मैं ऑलरेडी इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ हूँ डाउनलोड करके। अगर आपके फोटोशॉप में ये अवेलेबल नहीं है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट आप इसको ओपन कर सकते हैं और इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका यह है कि आप यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पर फाइल मिल जाएगी, इस तरीके से आपको यहाँ फाइल हो जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद अपने PC में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोग्राम फाइल का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको एडोब का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फोटोशॉप का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्लगइन का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर देखिए फिल्टर का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लाके वो जो वाला ऑप्शन है यहाँ पर लाकर आपको पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये प्लगइन ऐड हो चुका है। इसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, फोटोशॉप में जाएंगे और यहाँ पे एडिट में जाएंगे और यहाँ पे प्रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्लगइन एंड सर्च डिस्क का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाता है एडिशनल प्लगइन इन इंसर्ट, इसको क्या करना है आपको इसको टिक कर देना है। इस पर चूज वाले पर जाएंगे और चूज वाले पर जाने के बाद यहाँ आपको फिल्टर है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आपको ओपन कर देना है। तो ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे आपको फिल्टर में जाना है, यहाँ पे आपको नॉइस में जाना है और यहाँ पे आपको जेपीईजी क्लीनअप मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे इसको बढ़ाइएगा तो यहाँ पर आपको फोटो को जो है क्लियर जो है यहाँ पर फोटो आपको जितना इसको बढ़ाइएगा वो आपको फोटो जो उतना क्लियर यहाँ पर देख रहे हैं। इसका जो भी इसको दिखा रहा हूँ आप फोटो आपको यहाँ पर क्लियर होगा, ये तो आपको प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पे जितने इसको बढ़ाएगा देखिए आपका फोटो और क्लियर हो रहा है इस तरीके, और इतना जितना कम किया देखिए इस तरीके से हो जाएगा, और जितना बढ़ाइएगा तो यहाँ पर फोटो का क्लियर होगा। एग्जांपल के लिए इस पर क्लिक करेंगे और देखिए पहले जो था फोटो ऐसा था और इसको क्लियर करने के बाद क्लीन करने के बाद फोटो ऐसा हो चुका है, तो इस तरीके से आपका फोटो हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने हिसाब से फोटो को आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, इसको सिंपली ओके कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका फोटो जो है क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जितना स्मूथ कीजिएगा उतना फोटो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पे स्मूथ फोटो कर सकते हैं, जितना स्मूथ कीजिएगा इस तरीके से आपका फोटो यहाँ पे उतना क्लियर होगा, और जितना इधर कीजिएगा फोटो उतना ये जो है पहले की तरह हो जाएगा। तो जितना स्मूथ कीजिएगा इस तरीके से करके यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे कर लीजिएगा, इसको यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। इसके बाद अपने फोटो को और क्लियर करने के लिए यहाँ पर आपको इरेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ओपेसिटी 11% और फ्लो 11% रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कलर बॉक्स मिल जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे आपको सर्कल लेके जाइएगा तो आप इस तरीके से यहाँ पर पेंसिल आइकन बन जाएगा, और जहाँ भी आपको दाग धब्बा हटाना चाहते हैं उस तरीके से यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। देखिए जो है ये कलर जो है इस यहाँ पर मैच हो चुका है, और इस तरीके से यहाँ पर आप इसको ओके कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से सर्कल बन गया है। सर्कल को बड़ा करने के लिए राइट क्लिक करके इस तरीके से सर्कल को आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर देखिए सर्कल बढ़ चुका है, और इस तरीके से यहाँ पर अब इसको क्लीन करना है। इस तरीके से आपको जो है फेरना है इस पर, जहाँ भी दाग धब्बा होगा वो इस तरीके से पूरा आपको बहुत ही ईजिली यहाँ से आप जो है रिमूव होकर साफ हो जाएगा। सो ये आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिससे आप बहुत ही ईजिली अपने फोटो को आप यहाँ से साफ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है कहीं पिक्चर में अगर दाग धब्बा है या कहीं ब्लैक स्पॉट है तो उसको रिमूव करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आप पीस टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको हेडिंग ब्रश टूल और यहाँ पे पीस टूल है, इसको पीस टूल वाले पे क्लिक करेंगे, और जहाँ भी दाग धब्बा है उसको क्या करेंगे इस तरीके से यहाँ पे सर्किल बना देंगे, और जहाँ इस तरीके से सर्किल बन जाएगा और जहाँ दाग धब्बा नहीं है क्लियर है वहाँ पर क्या करना है इसको ड्रैग करके वहाँ पर ले आके इसको छोड़ देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे ले आके यहाँ पे आपको छोड़ देना है, तो यहाँ पर जो भी ब्लैक स्पॉट रहेगा वो सारे के सारे जो ब्लैक स्पॉट है वो डिलीट हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब अगर आपके बैकग्राउंड का जो कलर है उसको जो आप रिमूव करना चाहते हैं हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैजिक टूल है, इसको मैजिक टूल पे क्लिक करेंगे, और एक बार क्या आपको क्या करना है जो कलर है उसको आपको एक बार क्लिक करना है। अगर आपके यहाँ पर सिंगल कलर है तो टोटल सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करता हूँ ये टोटल यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर आपको मल्टीपल कलर रहेगा तो फिर आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होगा, आपको बारी बारी से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए टोटल का टोटल यहाँ पर आपको सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा हिस्सा बस जाता है जो सेलेक्ट नहीं होता है तो शिफ्ट और क्लिक करेंगे तो वो भी जो हिस्सा जो गायब है वो सारे के सारे हिस्सा अब यहाँ पे आपको शिफ्ट और क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे के साथ जो भी हिस्सा बचा रहेगा वो भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फीडर का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप 2 या 3 यहाँ पे आप जो है फीडर रेशियो डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 3 डाल देता हूँ। इसके बाद सिंपली यहाँ पे इसको आपको क्या करना है ओके कर देना है। इसके बाद आपके जो फोटो है उसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, और इसमें से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं जो कलर आप रखना चाहते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ पे आप एक बार डिलीट करेंगे तो आपको जो बैकग्राउंड है उसका जो फोटो का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर यहाँ डिलीट बटन को ओके करता हूँ तो यहाँ पर देखिए फोटो का जो बैकग्राउंड है यहाँ पर रिमूव हो चुका है। सो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करते ही जो आप कलर अप्लाई किए थे वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो इस तरीके से आप अपने फोटो का कोई भी कलर यहाँ पे इसको रिमूव करके कोई अदर कलर यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन हमें वाइट बैकग्राउंड ही चाहिए तो यहाँ पे कंट्रोल जेड करके हम इसको वापस आ जाएंगे। इसके बाद इमेज रेडी हो गया है, अब क्या करेंगे कंट्रोल प्लस एन करके न्यू फाइल लेंगे, या आप यहाँ फाइल में जाके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपना फाइल चूज कर लेंगे कि आपको कौन सा फाइल रखना चाहिए, जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनता है वो A4 साइज में बनता है तो यहाँ से आपको A4 साइज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप जो है कंटेंट देंगे जो आपको बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कलर होना चाहिए या आपको व्हाइट होना चाहिए या बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, तो इसमें से आप चूज भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे व्हाइट रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपका जो चार्ज शीट है यहाँ पर आ चुका है। अब क्या करेंगे इस तरीके से फोटो को हम क्या करेंगे, फोटो को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करके आपको फोटो को यहाँ पर ले आकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है।
इसके बाद इसका काम हो गया ख़त्म, इसको हम डिलीट करके यहाँ से हटा देते हैं। अब ये जो है मेरा यह मेन यहाँ पे आ चुका है। अब तो पहले हम इस इमेज को स्ट्रोक देंगे ब्लैक कलर का, तो इसके लिए हम एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है स्ट्रोक का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पे जो है आप कलर चूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर चूज कर लेता हूँ स्ट्रोक के लिए, तो इस तरीके से मैं ब्लैक कलर चूज कर लूँगा। स्ट्रोक के लिए यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे स्ट्रोक दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप जितना भी देना चाहते हैं स्ट्रोक दे सकते हैं, मगर आपको यहाँ पे 2 पिक्सल ही स्ट्रोक रखना है। 2 पिक्सल स्ट्रोक चूज करने के बाद सिंपली यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रोक अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए पासपोर्ट साइज में जो स्ट्रोक होते हैं वो ब्लैक कलर के ही होते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो में कुछ इस तरीके से स्ट्रोक ऐड हो चुका है। इसके बाद फ़ोटो को क्या करना है, यहाँ से उठा के आपको यहाँ पर रख देना है, इस तरीके से फ़ोटो को यहाँ से उठा के और यहाँ पर रख दीजिए। इसके बाद करना क्या है, आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट पर शिफ्ट दबाना है और अपने माउस को लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से आपको पकड़ के इस तरीके से आपको फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। इस तरीके से आप फ़ोटो को इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, जितना फ़ोटो आपको बनाना है इस तरीके से आपको फ़ोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ये फ़ोटो आ चुका है, अब क्या करना है आपको, ये फ़ोटो को सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको रेक्टेंगुलर टूल लेना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल है, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, फ़ोटो को पहले इस तरीके से पूरा फ़ोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और सी करना है एक साथ इस तरीके से, तो ये कॉपी हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल प्लस भी कर देना है, और जैसे ही कंट्रोल प्लस भी करते हैं तो आपको क्या करना है, ये वाला टूल पकड़ के इस तरीके से आपको उठा के इस तरीके से यहाँ पे लेके आ जाना है इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, इसको अलग और कॉपी बनाने के लिए अल्ट दबाए रहेंगे और इस तरीके से इसका कॉपी होते जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर लेते आएंगे। तो जितना भी फ़ोटो आपको बनाना है इस तरीके से आप यहाँ पर फ़ोटो बना सकते हैं, इस तरीके से पूरे के पूरे यहाँ पे आप 4 शीट को इस तरीके से पूरे के पूरे को आपको यहाँ पे भर देना है। अब देखिए ये पूरा का फ़ोटो आपका जो है पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है, वो पूरा फ़ोटो आपको यहाँ पे ये 4 शीट जो है ये भर चुका है, या पूरा का पूरा आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये बन चुका है। तो इस तरीके से ये जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे फुल हो चुका है। अब इसको आप सेव कर सकते हैं, तो यहाँ फाइल में जाएंगे और यहाँ से आप सेव ऐसे इस पर क्लिक करके इसको आप सेव ही कर सकते हैं। ये अगर इसको आप PSD में सेव करते हैं तो इसको आप कभी भी इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। आप दुकान से जाके प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे चूज करेंगे JPEG, ये वाला चूज करके आपको सिंपली क्या करना है, आउट निकलवा लीजिए। अगर आपको इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करना है तो सिंपली यहाँ ऊपर वाला ही रहने दीजिए और यहाँ पे जो फाइल नाम कुछ डाल देंगे, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फ़ोटो, तो इस तरीके से यहाँ पे फ़ोटो डाल देंगे और यहाँ पे इसको सेव वाला ऑप्शन है, इस पर आपको सेव कर लेना है। आप चूज कर लेना कहाँ सेव करेंगे, मैं जैसे यहाँ डेस्कटॉप चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे आप कोई जो फाइल इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और मैं सिंपली यहाँ पे सेव कर लूँगा, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये मेरा ये सेव हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रिंट आउट निकाले तो सिंपली यहाँ फाइल वाले पर जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट विथ प्रीव्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ऑप्शन प्रिंट आउट का आ जाता है। अगर आपके कंप्यूटर से प्रिंटर लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फ़ोटो कुछ ही ऊपर से कट रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ोटो नहीं कटे तो सिंपली यहाँ देखिए स्केल टू फिट मीडिया, इस पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर ये फ़ोटो आपका पूरा एडजस्ट हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पर प्रिंट वाले पर जाएंगे और आपके कंप्यूटर में जो है प्रिंटर लगा रहेगा तो बहुत ही ईजिली आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल आप कितना निकालना है, 1 निकालना है 2 3, इस तरीके से यहाँ पर अपना फाइल जो बढ़ा सकते हैं, कितना फाइल निकालना है। जैसे हमको एक ही पेज निकालना, तो इस तरीके से 1 रहने देंगे और यहाँ पर ओके वाले पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो लैपटॉप में प्रिंटर लगा रहेगा उससे जो है फ़ोटो निकल जाएगा। जैसे अभी नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे सेव हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करते यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरीके से आप कुछ यहाँ पे मैं यहाँ पे सेव फिर से कर लेता हूँ, तो इस तरीके से आप डाल के यहाँ पे मैं फिर से सेव कर लेता हूँ, 2 बार यहाँ पे सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर में प्रिंटर लगा हो तो। अब यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है, ये फ़ोटो को आप मोबाइल में लीजिए और कोई भी साइबर कैफ़े या कोई भी शॉप पे जाइए और इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई 13 मेरा फ़ोटो दिया गया है उसको पासपोर्ट साइज बनाने के लिए, तो इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 13 फ़ोटो, इसमें इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं ओपन कर लूँगा, तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो आ चुका है। सो इस तरीके से आपका फ़ोटो रहे या इधर से रहे या इधर से कहीं से घुमा रहे, सिंपली आपको क्या करना है, ये वाला जो टूल है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मेरे टूल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। मेरे टूल लेने के बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको लाइनिंग खिंचा रहा है, यहाँ पर ला के यहाँ पर इसको क्या करना है, इस यहाँ पर छोड़ देना है। और क्या करना है, आपको यहाँ पर इमेज वाले में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रोटेट कैनवास का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 90 डिग्री का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए फोटो इस तरीके से आ गया है, दोबारा से जाएंगे और इसी तरीके से रोटेट कैनवास पर जाएंगे, यहाँ पे RVT पर जाएंगे और इस तरीके से आपको
फोटो जो है जिधर भी घुमा रहेगा उसको आप बहुत ही इजीली उसको सही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फोटो जो है इस तरीके से सही हो चुका है। अब क्या करना है, फोटो को क्रॉप करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्रॉप वाला टूल पर जाएंगे और यहाँ पे आपको विद 3.5 हार्ट, यहाँ पे 4.5 और यहाँ रेजुलेशन है 100 से 200 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, फोटो को यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं। इस तरीके से फोटो को आप क्रॉप कर लीजिए, इस तरीके से मैं यहाँ फोटो क्रॉप करता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आप फोटो क्रॉप कर लीजिए, जितना फोटो आप क्रॉप कीजिएगा पासपोर्ट साइज बनाने का उतना आएगा। इस पर इसे छोड़ देंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ फोटो आपका क्रॉप हो चुका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से आप फोटो को पहले बड़ा कर लीजिए। अब यहाँ पे फोटो आपका आ चुका है, तो यहाँ पे देखिए यही फोटो आपका आ चुका है। अब न्यू शीट लेने के लिए तो पहले क्या करेंगे, पहले फोटो को कुछ क्लियर कर लीजिए। क्लियर करने के लिए यहाँ पे इमेज में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको एडजस्टमेंट का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कर्व का, इस पर क्लिक करेंगे या आप कंट्रोल पर से एम दबाएंगे तो भी ये आ जाएगा। इस तरीके से आप फोटो का ब्राइटनेस वगैरह आप इस तरीके से कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद ओके करेंगे, इसको कलर वगैरह करने के लिए सिंपली इमेज पर जाएंगे और यहाँ पे एडजस्टमेंट पर जाएंगे और यहाँ पे आपको लेवल का ऑप्शन मिलता है या कंट्रोल पर से एल करेंगे तो यहाँ पे जो फोटो का कलर वगैरह है यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताया हूँ कि फोटो को स्मूथनेस करने के लिए यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे आपको नॉइस में जाना है और यहाँ पे JPEG क्लीनअप पे जाना है। यहाँ से फोटो को स्मूथ कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे जितना स्मूथ करना चाहते हैं कर सकते हैं अपने हिसाब से। एग्जांपल के लिए आप यहाँ भी देख सकते हैं ये पहले का है स्मूथ करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। इस तरीके से यहाँ में ओके करेंगे, यहाँ देखिए फोटो कितना साफ हो चुका है। तो इस तरीके से आप फोटो को साफ कर सकते हैं। अगर दाग धब्बा है तो सिंपली इस पर जाएंगे और आप इसमें जाने के बाद आप जहाँ भी दाग धब्बा है इसको इस तरीके से आप मार्का लगाएंगे और जहाँ नहीं है इस तरीके से आप क्या करना है, इसको पकड़ कर ला के यहाँ पर छोड़ देना है तो आपको यहाँ पर जो दाग धब्बा रहेगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा। इसी तरीके से और स्मूथ करने के लिए क्या करना है, इरेज वाले पर जाएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पे जो इरेज टूल है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओपेसिटी आपको रखना है 11% और फ्लो 11%। इसके बाद यहाँ पे जो कलर वाला ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी साफ एरिया है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए सिंपल आ चुका है, इस तरीके से ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर सर्कल हो चुका है, अगर सर्कल को छोटा करना है तो राइट क्लिक करके इस सर्कल को छोटा करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इसको आप इस तरीके से जो है लेफ्ट क्लिक करके इसको आप इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेंगे तो आपको पूरा पर देखिए साफ हो रहा है। इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली इस तरीके से आप जो है फोटो को साफ कर सकते हैं। यहाँ फोटो आपका रेडी हो चुका है। इसके बाद यहाँ कंट्रोल पर से एंड डालेंगे, यहाँ पे न्यू पेज साइज ले लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको जो भी साइज इसमें से रखना है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे आपको पासपोर्ट साइज फोटो के लिए यहाँ पे आपको जो है 4 शीट है A4 साइज का लिया जाता है तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ओके कर लेंगे, यहाँ पे आपको जो फाइल यहाँ पे आ चुका है 4 शीट। इस पर क्या करना है, फोटो को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। इस पर यहाँ पे फोटो आ चुका है, इसका काम हो गया ख़त्म। इसको यहाँ से हम बैक कर लेंगे, हटा देंगे। यहाँ पर देखिए फोटो आ चुका है, इस तरीके से फोटो को हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे जहाँ भी रखना है इस तरीके से। अब क्या करना है, आपको अल्ट पर शिफ्ट दबाना है एक साथ और फोटो को इस तरीके से आपको कॉपी कर लेना है पूरे में। इस तरीके से पूरा फोटो आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है सीट में, इस तरीके से फोटो आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको रेक्टेंगुलर टूल लेना है। इस पर रेक्टेंगुलर टूल है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल है, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, पहले फोटो को इस तरीके से पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से फोटो पूरा आपका सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी एक साथ प्रेस करना है। इसके बाद क्या करना है, कंट्रोल प्लस वी प्रेस करना है तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद ये वाला टूल पकड़ के आप क्या करना है, इस तरीके से आपको लेके आ जाना है नीचे इस तरीके से। इसके बाद अल दबाए रहेंगे और इस तरीके से अल दबा के इस तरीके जितना फोटो आप बनाना चाहते हैं इस तरीके से फोटो को आप बना सकते हैं। पूरे शीट में आप इस तरीके से फोटो को भर लीजिए, देखिए फोटो पूरा इस तरीके से आ चुका है। अब क्या करना है, ये फोटो आपका पासपोर्ट साइज फोटो पूरा आ चुका है। अब इसको प्रिंट आउट निकालने के लिए आप यहाँ प्रिंट आउट जाके फाइल में जाके यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या इसको आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ सेव वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, अगर आप इसमें कुछ चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो आप यही वाला रहने देंगे PST। अगर आपको चेंज नहीं करना है, दुकान पर जाके प्रिंट आउट निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर JPEG चूज कर लेना है और इसको आपको क्या करना है, सेव करके रख लेना है और दुकान पर जाके साइबर कैफे में जाके आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं फाइल का नाम डाल देता हूँ फोटो। फोटो डाल के फोटो आ चुका है, अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप और इसको मैं आपको सेव कर लेता हूँ। जैसे अगर हमको प्रिंट आउट ही निकालना ही है तो सिंपली यहाँ पे हम JPEG चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम डाल देंगे, चलिए मैं यहाँ पे फाइल का नाम डाल देता हूँ फोटो यहाँ पे डाला हुआ है इस तरीके से और यहाँ मैं सेव करूँगा। सेव करते ऑप्शन आएगा ओके करेंगे, यहाँ पे आपको जो है मैक्सिमम रहने देना है। इस पर ओके करेंगे तो आपका जो फोटो है ये सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फोटो आ चुका है, इसको ओके करेंगे
ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए ओपन हो चुका है और यहाँ पर देखिए फोटो आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो आ चुका है। इसको अपने मोबाइल फ़ोन में रख के आप साइबर कैफे या दुकान में जाकर जहाँ प्रिंट आउट निकाला जाता है वहाँ पर जाके आप इसको बहुत ही ईजिली इसको फ़ोटो निकाल सकते हैं। इसी तरीके से कोई फोटो क्लीन कैसे करना मैं बता चुका हूँ। इस पर डबल क्लिक करेंगे, फोटो को आप सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा। और यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र टूल लेंगे, यहाँ पर आप इसको यहाँ पे 3.5 या 4.5 यहाँ पे रेजोल्यूशन चूज कर लेंगे। इस तरीके से फोटो को आप क्रॉप कर लेंगे, फोटो यहाँ पे आपका क्रॉप आ चुका है, कंधा बराबर देख लेंगे, इसका इस छोड़ेंगे, इंटर कर लेंगे, यहाँ पे आपका फोटो आ चुका है। इस तरीके से फोटो को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप फोटो को क्लीन वगैरह करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, इमेज में जाएंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कर्व, इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपने फोटो को जो है इस तरीके से आप यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। इसके बाद कलर वगैरह करने के लिए यहाँ पे इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ लेवल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल प्लस एल करेंगे, यहाँ पे इसका कलर वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपली यहाँ फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे आपको नॉइस मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, जेपीजी क्लीनअप है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है आप अपना फोटो को जो है यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। इस तरीके से जितना बढ़ाइएगा अपना फोटो क्लीन होगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसको तो ओके करेंगे, यहाँ पर आपका फोटो देखिए क्लीन हो चुका है। सो इस तरीके से आप अपना फोटो क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा है कि अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना है, मैं बता चुका हूँ, बैकग्राउंड पर जाएंगे और यहाँ से मैं टूल पर सेलेक्ट करके यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे, यहाँ पूरा पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अगर इसमें से कुछ एरिया सेलेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस करके यहाँ राइट क्लिक करके वो एरिया आपको पूरा पूरा सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये एरिया सेलेक्ट हो चुका है। सो इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपको करना क्या है, इसके बाद यहाँ पे का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फीडर का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ फीडर आपको जो भी रखना है इसको चूज कर लेंगे। यहाँ पे तीन ही रखने देता हूँ तो मैं यहाँ फीडर तीन रख के यहाँ पे ओके करूँगा। इसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपको कलर रखना है इस तरीके से आपको कलर को चूज कर लेना है, ओके करेंगे। इसके बाद क्या करना है, आपका जो कलर है अप्लाई हो चुका है, सिर्फ आपको क्या करना है डिलीट बटन दबाना है। डिलीट बटन दबाते हैं तो आपका जो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। यहाँ जैसे देखिए मैं यहाँ डिलीट बटन दबाया और यहाँ पर देखिए कलर अप्लाई हो गया। सो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसको कलर को हटाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, अगर हमको व्हाइट बैकग्राउंड ही चाहिए तो हमको कंट्रोल जेड करके इसको हमको क्या करना है वापस आ जाना है। लेकिन जैसे हमको व्हाइट बैकग्राउंड ही चाहिए तो हमको कंट्रोल प्लस जेड करके हमको वापस आ जाना है। या सिंपली क्या करेंगे, यहाँ एडिट है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टॉप बैकग्राउंड है, इस पर क्लिक करके आप देखिए बैकग्राउंड हट चुका है। सो इस तरीके से यहाँ पे स्टॉप बैकग्राउंड करके भी आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाहर आ चुके हैं। सो इस तरीके से भी आप बाहर आ सकते हैं। जैसे आपके चेहरे पर कहीं दाग धब्बे हैं तो उसको हटाने के लिए सिंपली क्या करेंगे, ये वाला टूल है, इसको क्लिक करेंगे, आप फेस टूल लेंगे और जहाँ भी दाग धब्बे हैं, जैसे यहाँ पर दाग धब्बे तो इसको पूरी इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और जहाँ दाग धब्बे नहीं है इस तरीके से उसको उठा के लेके जाना है और वहाँ पे इसको छोड़ देना है। तो यहाँ जो दाग धब्बे रहेंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ से डिलीट हो जाता है। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं, उसको आप अपने लैपटॉप से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या चाहे तो आप जाके शॉप वाले के पास से भी आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से हम घर बैठे पासपोर्ट साइज फ़ोटो को बनाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।